नमस्कार लता बावर्ची में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ ओल की चटनी। ओल को हम जिमीकंद भी बोलते हैं। इसकी चटनी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। सब्जी तो आपने बहुत बार ही खाई होगी। एक बार आप इस तरीके की चटनी बनाकर ज़रूर खाना, आपको बहुत ही पसंद आएगी। इसकी चटनी बनाना बहुत ही आसान है, बस सिर्फ बॉयल करो, चटनी बनके तैयार। तो आइए हम जिमीकंद की चटनी बनाना शुरू करते हैं। तो हमने आधा किलो ओल लिए हैं, आप देख सकते हैं। तो इसे हम अच्छी तरीके से पहले मैंने धुल लिया है, फिर भी लगती है कि मिट्टी इसमें लगी ही है। और अब हम इसे काटेंगे, लेकिन आप इसे सावधानी पूर्वक अच्छी तरीके से काटना, क्योंकि ओल छीलते समय हाथ में लगती है तो बहुत ही खारिश होती है, इसलिए आप इसे सावधानी पूर्वक छीलें और काटें। तो आप देख सकते हैं कि हमने ओल को काट लिए हैं और ये धुल भी लिए हैं। तो अब हम चटनी बनाना शुरू करते हैं। तो हमने एक कटोरी सरसों लिए, इसे मैंने अच्छी तरीके से पानी से धुल लिए हैं और इसे हम मिक्सी के जार में डाल देंगे। और अदरक लिए हैं, उसे भी हम डाल देंगे, और लहसुन भी हम पूरा से डालेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने लहसुन को छिलके और डाल दिए हैं। मेरे पास लहसुन पहले से ही पिसा हुआ था, तो मैंने उसे भी इसमें ही डाल दिया और डालकर मिक्सी के जार में हमने पीस लिए। अब आप कुकर को गैस पर रख दें और उसमें पानी डाल दें, और जो जिमीकंद काट कर रखे थे वो भी डाल दें, और डालकर उसमें नमक डाल दें। नमक डालकर इसका कुकर का ढक्कन लगा दें, 2 से 3 सीटी कुकर में आने दें। उसके बाद गैस बंद कर दें और उसे ठंडा होने के लिए छोड़ दें। आप देख सकते हैं कि गैस निकल चुका है और हमने जिमीकंद को निकाल लिया और उसे ठंडा होने के लिए रख दिए हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमने जो सरसों मिक्सी में पीसे थे वो कितनी अच्छी तरीके से पीस चुकी है। अब हम जिमीकंद को भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने इसे बहुत ही अच्छी तरीके से मैश कर लिया है। अब हम लहसुन अदरक सरसों का जो मिक्सी में पीस करके रखे थे वो हम इसमें डाल देंगे और डालकर इसे हम मिला देंगे। तो आप देख सकते हैं कि चटनी बनाना कितना आसान है। तो हमने इसे अब मिला दिए हैं। अब हम इसमें नींबू का रस डाल देंगे और उसे डालकर इसे मिलाएंगे। तो हमने नींबू को काट लिए हैं और हम इसमें नींबू को निचोड़कर इसका रस निकाल के इसमें डाल दें, और इसी तरीके से हम सारे नींबू को इसमें निचोड़ देंगे। तो हमने सारे नींबू निचोड़ दिए हैं और इसमें अब हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। नमक डालकर इसे हम बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हम इसे अच्छी तरीके से मिला दिए हैं और ये बिल्कुल चटनी बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी है मेरी। अब हम इसमें हरा धनिया पत्ता डाल देते हैं, इसे भी डालकर हम इसे अच्छी तरीके से मिला देंगे। तो चटनी बनाना कितना आसान है। आप चटनी एक बार जिमीकंद की बनाएं और खाएं और बताएं कि आपका कैसा बना है। मेरा तो बहुत ही टेस्टी बना है। आपको अगर चटनी की रेसिपी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।